एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है नमितेश शिंदे व्लॉग्स। व्लॉग्स आंख दिखाता है माता जात। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के हो गए 10 और टेम्परेचर हो गए 28, मतलब ठंड थोड़ी लग रही है। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, हम यानी मैं, तो अभी मैं फिलहाल बाहर जा रहा हूँ कुछ काम के लिए। तो बैंक में भी जाने गए तो क्या उधर तो ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा, तो जब भी आऊँगा शायद दोपहर को ही आऊँगा शायद से। सो ठीक है, तो दोपहर को आऊँगा मैं, कुछ काम है मेरे को, कुछ काम के लिए जाने गए और देखते हैं वो का वो बता नहीं सकता मैं आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा हूँ, फिर से घड़ी पहनना भूल गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ क्या ऐसा ये कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ काम है वो काम करते हो, बैंक में भी जाने का, उधर भी एक दो घंटा लगेगा, तो उसके बाद मैं घर पे आके मिलता हूँ आपको। नहीं, खाना खा के आने के बाद मैं मिलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, चलो तो हो गए हम रेडी, कुछ पे ज्यादा ही कुछ नहीं, नॉर्मल टी शर्ट पहना लिया अपना, मास्क है ना, तो बस। ठीक है, तो अभी जाता हूँ मैं फटफट, और फटफट आके मिलता हूँ मैं। ठीक है, फटफट 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 फट। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। मैक्स को हाई करने का, मैक्सो सोया। चलो फिर बाय बाय। अभी से इधर मॉइस्चराइजर पकड़े आपको, ये ग्लेयर्स में ये मास्क पहनते हैं ना, तो आप इधर ये होता है मॉइस्चराइजर पकड़ा है, तो दिखाई नहीं दे रहा अभी मेरे को। क्या बोल रहे, जो लोग चश्मे चाहते हो लोग कैसे एडजस्ट करते हो गए मास्क के साथ, बहुत डेंजर है। चलो फिर मिलता हूँ, अभी पहले देने का है मम्मी को, उसके बाद निकलता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय। 3 hours later. तो मधुमक्खी का एक सेकंड, ये क्या हो गया, तो मधुमक्खी का छत्ता जस्ट बाहर से आया मैं, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है। तो अच्छा मैं जल्दी से आया घर पे खाना खा के, और ये लोग मधुमक्खी का छत्ता निकल रहे, हमको बोले भी नहीं लोगों ने, तो अच्छा मैं टाइम पे आया, नहीं तो मेरा विंडो किचन के इनका विंडो ओपन ही रहता और सब मधुमक्खी अंदर आते थे, और ये भाई साहब उनको खाने के लिए बैठे, तो अभी वो लोग आ रहे छत्ता निकल रहे मधुमक्खी का, तो आपको मैं दिखाता हूँ। इतना बड़ा हो गया था ना ये, मेरा ध्यान ही नहीं गया था, मतलब अचानक मेरा उस दिन मेरा ध्यान गया, अच्छा हुआ ये मेरा कभी ध्यान में। वही सोच रहा हूँ हर रोज एक ना एक कौन सा तो मधुमक्खी अंदर आ रहा है कैसे, वो भी किचन के साइड से, तब मेरे को मैं रियलाइज हो उधर कोने पे छत्ता बनाया लोगों ने, तो अभी आपको दिखा दो कितना बड़ा छत्ता हो गया, और वो लोग अभी निकल रहे हैं। ठीक है, छोटी सी झलक दिखा दो क्योंकि मैं विंडो ओपन नहीं कर सकता, अगर मैंने ओपन किया तो सब मधुमक्खियाँ मेरे अंदर आएंगे, अंदर आएंगे, आई मीन रूम के अंदर आएंगे। ठीक है, देख लो अंदर आएंगे, क्या बोलता हूँ मैं। ठीक है, देखा था मैं, देख लो अभी आप। ये देखो ये भाई साहब चढ़े थे, ये लोग ने मेरा नेट निकल दिया, तो अभी उनको बोला अभी नेट लगाने के लिए, अभी तो ये लोग गए नहीं। देखो आई हो आप देख पा रहे होगे, मैं खिड़की नहीं खोल सकता, नहीं तो ये देखो सब, ये देखो इधर आए, और ये भाई साहब देखो इनके खाने की फितरत में बैठा है यहाँ पे, तो अभी भी गए नहीं सब लोग, बहुत हैं। देखो देखा बहुत है अभी भी, तो बोल रहे कि अभी कौन सा दवाई बीवाई लगाएंगे बोल रहे, देखते हैं। अभी हंसी है ना, उस मार रहा है उसको, मैंने पूछा क्या मारते है भाई तू मेरे को कौन सा बलता स्प्रे रहेगा, ये तो ये देखो ये स्प्रे मार रहे हैं लोग, अभी वो अंदर है, अभी वो ये कर रहा है, अभी वो ये जो नेट गिरा था ना वो नेट लगा रहा है, तो मुझे लगा कौन सा तो स्प्रे रहेगा ये मधुमक्खी भगाने का, तो देखा दे देखो ये हिट मार रहे है भाई लोग, मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना, आपको से पानी आया मेरे। चलो ये देखो हाथ पे गिर गया, बाद में बात कर लो, देखो हाथ पे गिर गया मेरे। ठीक है,
ठीक है, देखा ना आपने, मेरे को कौन सा अच्छा था स्प्रे रहेगा मधुमक्खी भगाने का, ये हीट स्प्रे यार। चलो फिर बाद में बात करता हूँ। तो अभी हमें मैक्स की ग्रूमिंग करनी है, अभी हम मैक्स की ग्रूमिंग करेंगे। चलो चलो चलो, अभी आप इसके नखरे देखो कितना नखरे दिखा दो। ये देखो कितना बड़ा है, देखो। One hour later. तो दोस्तों आज हम फिर से एक और नया DIY करने जा रहे हैं बाल के लिए। क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, अभी बाल इतने बड़े किए तो उसको मेंटेन तो रखना पड़ेगा ना। तो आज का जो जो DIY है ना, वो तो बहुत फैमिलियर है, आपको भी मालूम होगा, अंडा है ना। तो आज हम एक मास्क लगाने वाले हैं, एक मास्क। घर में एक ही अंडा है, एक ही अंडा है, वो भी उधर से मैं लेके आया, इसीलिए घर में अंडा है वो भी एक। तो देखते हैं, वैसे तो मेरे बाल बहुत बड़े हैं, आई होप ये सफिशियंट होगा, मुझे तो लगता नहीं, बट ठीक है। कभी मैंने किया नहीं बाय द वे एक मास्क, तो आज ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो वो बनाता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ सामग्री, सामग्री ना कुछ जो भी हो, ठीक है, बाद में बात करते हो बना के। तो आई होप देख पा रहे होगे, आप देख ही पा रहे होगे, एक लाइट लगा दो, ठीक है। ये इग्नोर करो, फिर से क्या करूँ यार, अभी मैंने साफ किया तो फिर से ये होता है, अभी गंदा तो होता ही है ना। तो दोस्तों एक मास्क बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक कटोरी, एक कटोरी लेनी पड़ेगी दोस्तों आपको, जो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए हमारे जैसे। एक चम्मच लीजिए, ये चम्मच आप एक चम्मच लीजिए, स्टील का लीजिए, सोने का लीजिए, चांदी का लीजिए, आपके ऊपर है दोस्तों। और एक अंडा लीजिए दोस्तों, एक अंडा लिया है हमने, मुर्गी का अंडा लिया है दोस्तों, बदक बिदक किसका अंडा लीजिए दोस्तों, ये हमने अंडा लिया है, और ब्रॉयलर मुर्गी का ले लीजिए, नहीं तो आप देसी मुर्गी का अंडा ले लोगे दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम इस अंडे का बनाएंगे, मैं ऑमलेट खाऊंगा, एक मास्क, इसको बोलते हैं हेयर एग मास्क। क्या बात है, मैं ऐसा क्यों साउंड कर रहा हूँ, जो घर पे बनाते हैं ना वो खाना, घर पे खाना नहीं, वो क्या बोलते हैं, हाँ 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 खाना बनाते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं वो लोग, होम कुकिंग, होम कुकिंग वो लोग जैसे, तो कैसे बोलते हो लोग। तो हमने ये बनाने के लिए हमने 2 चम्मच ये लीजिए है नमक स्वाद अनुसार, ये अनुसार लहसुन, लौड़ा लहसुन वो सब मिला के पूरा लगाएंगे। अब इसको जोर से हिलाइए दोस्तों, तो इसको जोर जोर से हिलाइए, इतना मत हिलाइए कि उसका झाग बन जाए दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि मैं ऑमलेट बना रहा हूं। आपको मालूम है कि मेरे एक बार सपना है कि अंडा अंडा ना कच्चा अंडा मेरे को पीना है, पर अभी तक उतना दम नहीं है मेरे में, वो मैं पी सकूं। तो दोस्तों ये हमने बना ली है थिक पेस्ट, आप देख सकते हो, देखो। तो चलो अभी हम लगाते हैं अंडा सर पे। तो अभी हम हेयर मास्क लगाएंगे बाल पे, और याद रखना कोई जूना कपड़ा पहनना नहीं, तो कौन सा इतना भी जूना मत फटी चलो कपड़ा पहनना कि आपके घर वाले आपके पहचान ना पाए, वाह आप समझ जाओ, जूना कपड़ा पहन लो ना तो सब बाल पे आ जाएगा, ये अंग पे आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग हेयर मास्क लगाएंगे, आई होप मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, अकेले मैं रिकॉर्ड कर दो, तो जो भी हो रिजल्ट तो आपको बाद में दिखा दूंगा मैं आपको।
तू खाएगा क्या ये ऐसा बेटा? ये दिख रहा है क्या आपको? क्या है? अंडा है, अंडा। मतलब खुशबू आ रही है, इसको लग रहा है कि मैं इसको देने वाला हूँ अंडा। इसकी खुशबू बहुत बेकार है मन भाई। ये देखो दोस्तों, ये हमने लगाया है, मन खुशबू बहुत बेकार है दोस्तों, नाक बंद कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमने लगाया है एक मास्क अपने बाल पे, और इतनी भयानक खुशबू आ रही है ना अंडे की, बहुत भयानक खुशबू आ रही है, क्या करें। तो टपक क्यों रहा है ये? दोस्तों जरा उजाले में आए थे हैं, ये हमने लगाया है एक मास्क, इससे हमारे जुल्फे और भी लहराएंगे। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं करेंगे, जब धोऊंगा उसके बाद मिलता हूँ। ठीक है, ये देखो इसीलिए। ठीक है, बाद में। A few moments later, Max, ये काय केलं तू? नोट का फाड़ ली? Later that same evening, घर पे थोड़ा धुआं धुआं हुआ है, धूप लगा है मैंने आज, तो धुआं धुआं हुआ है, मजा आ रहा है। पर सो कोई बात नहीं। हे गाइस वेरी गुड इवनिंग। ये ऐसा क्या है? सो हे गाइस वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है, स्वागत है। अभी भी काम में जरा वर्क मोड में था ना, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं, इसलिए तो जस्ट अभी मेरा सब खत्म हुआ, काम भी कर रहा था मैं, कुछ थोड़ा सा पर्सनल काम चल रहा था मेरा, तो मैंने काम खत्म किया। और बाय द वे खुशखबरी देना चाहता हूँ मैं आपको कि अपना जो मेन चैनल नमीज भाई थे उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, ये वीक में या फिर वीकेंड तक आ जाएगा, 100% आ जाएगा। कब से मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक ब्लॉग में आपको बोल रहा हूँ कुछ काम कर रहा हूँ कुछ काम कर रहा हूँ, नहीं इस बार नहीं, इस बार पक्का वीडियो आने वाली है, शायद मे बी संडे सैटरडे फ्राइडे, डोंट नो, देखते पर आ जाएगा। और बाय द वे ये भाई साहब का देखा ना आपने वीडियो दोपहर को, ये भाई साहब ने वो नोट फाड़ दी, वो मेरे को मालूम ही नहीं, मतलब मैंने आपको बोल रहा मैं हेयर मास्क लगा दूँ उसके बाद मिलता हूँ, पर मैं चला गया बाथरूम में नहाने के लिए, तो फिर क्या जब मैं आया तो ये कुछ कर रहा था, पहला सोफा में था, इसके मुंह में कुछ तो था, मैंने देखा कुछ क्या दूसरा पेपर वेपर रहेगा तो मैंने इग्नोर किया, तो उसने मेरे को देखा मैं बाहर आया, तो उधर से उठ के वो उधर गया वो वाले बेडरूम पे, क्योंकि मैं अंदर ये बेडरूम में था, मेरे बेडरूम में ये वाले, तो उधर मैं हेयर ड्राई कर रहा था, उधर नहीं आया, तो फिर क्या वो वाले बेडरूम में गया ताकि मैं इसको देखूं नहीं क्या करतूत कर रहा है। तो उसके बाद क्या मैं यहाँ पे जो लिविंग रूम में आया ना, जो कुछ टाइम पास के लिए टीवी देख रहा था, तो तब ये भाई साहब मेरे बेडरूम में गए, और तभी मेरे को आवाज आया कुर कुर क्या कर रही है, तो मैं गया चुपके से देखा तो भाई साहब नोट फाड़ रहे हैं। आपने देखा ना वो वीडियो, मतलब नसीब था मेरा, पर पता नहीं हुआ, मैंने डेस्क पे रखा था तो उधर से हवा से उड़ के शायद आया होगा नीचे, अच्छा वही नोट 20 का नोट था,
थैंक गॉड, नहीं तो कौन सा पास, तो 2000 तो भाई साहब ने मेरे को आज बराबर चूना लगाया देता था। चिल्लाए नहीं क्या गुरु, अभी क्या मेरी गलती होगी कि नीचे आया होगा नोट ड्रॉवर से, तो क्या कर सकते अभी फिलहाल, है ना। इसलिए उसको मैं ज्यादा कुछ बोले ना, आपको नोट दिखा था मैं, देख लो आप। वो ये देखो, ये भाई साहब ने क्या हालत की, बराबर एकदम, क्या बोलते तो क्या बोलते, मतलब कभी कभी शब्द नहीं आते मुंह से निकलते मेरे। ऐसा कौन फाड़ता है क्या बीच में से, इधर से एक फाड़ दिया उसने और ये ऐसा फाड़ दिया। मेरे को लगता है शायद पहले से ये मतलब फटेला नोट था। हाँ ये देखो, पेपर लगाया हुआ था और इसलिए हो गया, जल्दी से फट गया उससे। चलो तो जाने दो, अभी क्या बोल सकते उसको, चलो। अभी भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो क्या मैक्स ले मस्ती करते है तू। हाँ क्या है, हाँ छोड़ो जाने दो, बहुत मस्ती करते है। तो अभी मैं कुछ काम कर रहा, अभी मेरा कुछ काम कर चल रहा था, तो मैं सोचा ये व्लॉग एंड करता हूँ क्योंकि मुझे और थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इसीलिए। तो मुझे 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 लगा कि ये काम हो जाएगा 7 बजे तक, अपन अभी के 7:30 हो गए पर अभी तक मेरा काम हुआ नहीं है, मुझे काम करना हो। मैं क्या करते, ये व्लॉग ये एंड कर देता हूँ तो, ताकि मुझे काम कंप्लीट करना है तो ठीक है, क्योंकि आई गेस मुझे 8 8:30 बज जाएंगे इसीलिए। तो गाइस मैं व्लॉग ये एंड करता हूँ, आई होप ये छोटा सिंपल व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस व्लॉग के भी मुख्य किरदार हमारे मैक्स भाई साहब थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से पराक्रम किया है हमको, हमारा क्या बोलते हैं, अच्छे से पराक्रम के उसने हमारी 20 की नोट फाड़ दी है, तो कोई बात नहीं चलता है ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक क्या करना आपको मालूम है, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू नमितेश शिंदे ब्लॉग्स, ठीक है। एंड एज यूजुअल स्टे सेफ स्टे हेल्दी, ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ। Yeah, I did. As usual, as usual. Thank you.